एस एल पी पे हम सिर्फ एल्स लेते हैं और भाई हैरी केन की स्ट्रीम कर हुए ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं है चौबीस घंटे भी नहीं हुए हैं मैंने कहा था हु सेज नो हेरी केन की स्ट्रीम पे मिशन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर मैं ट्विटर पर रोला पीट रहा था मैं यूट्यूब पर रोला पीट रहा था मैं हर जगह ढिंडोरा पीट रहा था उसका एंड आखिर जाके देर वॉज अ रीजन रोमानो को रिटायरमेंट लेना पड़ा था दोबारा रिटायरमेंट शायद लेना पड़ेगा बिकॉज हैरी केन हैज almost agreed personal terms with bayern munich or harry kane will probably be signing with bayern munich friday tak jisme ek din bhi nahi bacha hai bhai friday ko sign kar lega harry kane with bayern munich kal hi friday hai vaise ek din kya aaj hi harry kane ka expected hai ki here we go aa jayega from providio aur spurs ne usko permission de di hai to travel to munich अपने medicals complete करने के लिए and looks like कि mission 2024 शुरू होने से पहले खत्म हो गया gaya crash landing bhai as bad a crash landing as it gets and isko सीधे seedhe side kar dete hain harry kane is looking like he's going to join बायन और जितना उत्कर्ष स्लैंडर दे रहा था हेरी केन को भाई समझ नहीं आता कैसा प्लेयर है क्या है क्या है क्यों रुकना चाहता है बुंडस लीग इज मोर लेस गेंटीड चैंपियंस लीग में बायन बिकम अ वेरी वेरी कंपेटेटिव साइड विद है स्ट्राइकर तो देखते हैं क्या होगा बायन का चैंपियंस लीग में वो तो वक्त ही बताएगा बट लुक्स लाइक कि हैरी केन की डील इज ऑलमोस्ट Wrapped up with Bayern Munich and no Harry Kane to United. अगले सीजन हॉलैंड ही हमारा मेन स्ट्राइकर रहेगा to be honest, जो मैं ये सपने रचा रहा था सारे सपने सपने ही रह गए and expected था ये सपने रहेंगे मेरी हरकत ऐसी है कि मैं ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाता हूँ मुझे पता था कि अचिन के रोमानो को वापस नहीं लाना चाहिए बट मैंने सोचा भाई चलो कॉन्सपिर थ्योरी में अपनी दौड़ाता हूँ दो दिन दौड़ाई मैंने थ्योरी और तीसरे दिन पे थ्योरी को खुद ही थ्रीजू भाई ने रोक लगा दी बोलते हुए ज्यादा उड़मत ज्यादा फेक रोमानो मत बन और मैं फेक रुमानों से भी कम हूँ मैं बत्तर उससे भी बत्तर हूँ तो इसलिए मैं उसके आगे कुछ बोलूंगा नहीं बाकी ट्रांसफर्स की बात करते हैं भाई क्योंकि तो काफी ट्रांसफर न्यूज आई है United के से अगर मैं बात करूं बिकॉज यूज अब दस मिलियन फिक्सड है पांच मिलियन एड ऑन है आई वॉज एक्सपेक्टिंग भाई बीस तो से कम मिल जाए फ्रेड के लिए बट पंद्रह ही मिल रहे हैं पंद्रह भी पता नहीं गारंटीड क्या एक्चुअल उनके बारे में को कुछ नहीं पता बट फ्रेड हैज बीन सोल्ड टू फेनर बाचे सरप्राइज सेल जिसकी एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि लोन की बात चल रही थी दैट इज कीपर वन ऑफ बैकअप कोवर जो भाई पिछले सीजन स्लाविया प्राग में थे वो जा रहे हैं बायन कूज ऑन अ परमानेंट ट्रांसफर फॉर नो मिलियन भाई नौ मिलियन में जा रहे हैं एंड वी हैव अ है बाई ब और उसके अलावा हमारा शायद कुछ सेलोन क्लॉज भी है वी हैव टू नहीं बाय बैक क्लॉज है और राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल है तो वी हैव टू एडेड द डील एंड कोवर की प्रेजेक्टरी अगर आप देखो हमारे जितने भी होम ग्रोन कीपर्स कीप उनमें से कोवर लुक्स लाइक दी बेस्ट फिट इसलिए हमने उसको मैनेज टू वी हैव मैनेज टू सेल हिम डीन एंडरसन का भी आप कह सकते हो पूरी अनसर्टेंटी है इस समय फॉरेस्ट के साथ जो negotiations है वो महीने डेढ़ महीने से चलती ही आ रही चलती आ रही है डज नॉ लुक लाइक की वो कंप्लीट होने वाली है ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो कंप्लीट होंगी कोई आप कह सकते हो ब्रेक थ्रू नहीं आया निगोशिएशन में जिससे आप कह सको कि हाँ भाई फॉरेस्ट ने कोई फिगर कोट कर लिया या दिस डील लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी कंप्लीटेड ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है

एक मिलियन हमारे को आए थे टाइट चौंग की सेल से जो सेलोन क्लॉस मिलियन उसके अलावा हमारे आप कह सकते हो जो छोटे मोटे मूव्स हुए ईथन के 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 बाकी प्लेयर्स प्लेयर्स इन सब मूव के के मिला आई वुड से वी आर ऑलमोस्ट एट द दिफ्टी मिलियन मार्क इज अ गुड 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 पॉइंट टू रीच एंड इसके आगे इफ यू सेल हेरी मेगर विल रीच दी सेवेंटी थ्री सेवन मिलियन मार्क वेरी इजिली सेवेंटी फाइव मिलियन का मार्क हम रीच कर लेंगे उसके बाद अगर हमने मेकटॉम ने सेल कर दिया तो हंड्रेड मिलियन का जो मार्क है दैट इज इमीडिएटली

काफी काफी बड़े एडवांसमेंट्स आ जाए उस डील में और फिर भी को शायद अगले हफ्ते आ जाए अहमदाबाद की डील का तो दैट इज समथिंग समिंग वेरी गुड फॉर यूनाइटेड भाई क्योंकि आपका मंडे को ही यूनाइटेड का पहला मैच है तो बिफोर योर सेकंड गेम वीक अगर आप अहमदाबाद को ले आते हो एंड प्रैक्टिकली सोचो अगर आप तो तीसरे गेम वीक तक अगर अहमदराबाद हमारे साथ बेंच पे भी आ जाता है तो दैट विल बी गुड फॉर यूनाइटेड बिकॉज आपकी डेप्थ फिर जहां पे आपको चाहिए हर जगह डेप्थ आपको मिल जाएगी एंड आपका मेजर बिजनेस सारा हो जाएगा क्योंकि सेंटर बैक्स हमारे अभी दोनों इस समय फिट हैं तो वी कैन अफोर्ड की अगर हम सेंटर बैक साइन करना चाहते हैं चाहे वो पेवाड़ हो चाहे वो टोडीबो हो उसको हम थोड़ा आप कह सकते हो बाद में भी साइन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज दे विल नॉट बी इमीडिएटली प्लेइंग फॉर यूनाइटेड किसी भी मैच में अब, अब खुदा ना खासा किसी को इंजरी हो गई मार्टिनेज और मार्टिनेसोरान में से टच आउट नहीं हो तो हो सकता है कि वी विल हैव टू पुश फॉर द सेंटर बैक साइनिंग बट एज थिंग स्टैंड सेंटर बैक की साइनिंग हम थोड़ा डिले कर सकते हैं एंड थोड़ा आराम से कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर साइनिंग्स

नंबर वन कीपर जो पूरे सीजन रहे उसके बाद ऑब्वियसली कोर्टुआ विल कम बैक तो मुझे लगता है कि डेह मैंने स्ट्रीम पे भी कहा था कि आउट ऑफ ऑल द नेम्स जो कोर्ट किए गए हैं और भी प्लेयर्स हैं डेह इज डील टू डू एंड आई थिंक आप काफी सेफ डील भी कर रहे हो क्योंकि डेह यू नो वॉट यू गेट विद डेह बट इट ज्यादा प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक करती नहीं है तो ऐसा डेहिया का जो आप लोग कहते हैं कि भाई प्लेइंग आउट फ्रॉ द बैक में बिल्कुल ही हैंडीकेप्ट है वो कर नहीं सकता दैट एस्पेक्ट बी कंसिडर्ड क्योंकि वो एस्पेक्ट उसका ज्यादा एक्शन में आएगा ही नहीं

एक दिन भी नहीं बचा सीजन स्टार्ट होने में उस टाइम पे आके लिवरपूल ने रेस को एंटर कर दिया और बोला कि भाई हमारे को चाहिए 80 million, कि भाई की finances, आप कह सकते हो एफ के अंदर ये रहा है कि दे हैव डिपेंडेंट ऑन आउट टू फंड देयर इनकमिंग्स थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है पिछले एक दो सीजन में विंटर में अगर आप देखो लुइस डियास को साइन किया था यार और एक और प्लेयर देखो आप जो साइन किया बट

एंड टेक्स एन टू दॉप फॉर जो सर्टिटी बढ़ा देती है उनके लिए आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी अपॉपर्चुनिस्टिक मूव बहुत ही शार्क वाला मूव है एंड कमेंडेबल मूव है एंड इफ लेवरपूल मैनेज टू पुल इट ऑफ दट इज दिन अगरपूल ये पुल ऑफ कर देती है तो भाई गजब का मूव होगा एंड ऑल्सो शोज की एफ एस जी ने अपना भाई जो स्टांस है उसको भी प्रिवेट कर लिया देव बिकम मोर विलिंग टू स्पेंड द मनी बिकॉज इस समय आप देखो तो इतनी आउट गोइंग्स नहीं हुई है जिस हिसाब से पैसा खर्चा चाहिए अलॉट ऑफ मनी पिछले समय भी देर स्पेंड अट ऑफ मनी ऑन न्यूनियस और जगह नहीं स्पेंड किया था बट दे स्पेंट बिग अमाउंट ऑफ मनी ऑन नूनियस इस समर दे अ बिग अमाउंट ऑफ मनी ऑन सबोजला दे गॉट इन फॉर अ दे आर विलिंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन तो भाई लिवरपूल का मेरे को लगता है कि इट कुड बी अ वेरी बिग डिफरेंस मेकर फॉर देम अगर वो Kaisido ले आती है एंड बाय फार उनकी साइनिंग ऑफ द समर होगी वो भाई बाय फार और आखिरी में भाई हम आते हैं नेमार के मूव पे क्योंकि फैब्रिजियो ने हमने स्ट्रीम पे भी डिस्कस किया था फैब्रिजियो ने ठप्पा लगा दिया नेमार के मूव पे कि दो नेमार डज नॉट वांट टू लीव पीएसजी वो पीएसजी नहीं छोड़ना चाहता बट

इट विल इजीली टेक अ लॉट ऑफ मनी टू गेट हिम फ्रॉम पी 70 80 सेवेंटी एट मिलियन की बिड तो आराम से लगेगी एंड अल हिलाल वो दे सकती है आराम से एमएलएस का देखते हैं कि एम एल एस कितने की बिड देगी क्या एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा एम एल एस की डील का वो हमारे को उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं पता है बट बारसा फैंस आपको क्या लगता है इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं शुड बारसा साइन नेमार और शुड दे नॉट साइन नेमर लेट मीन उन्होंने कॉमेंट सेक्शन डाउनलोड क्या आपको लगता है कि नेमार को साइन करना चाहिए डू यू थिंक इफ यू गेट हिम एट अ राइट प्राइस एंड इफ इज नॉट दैट आप कह सकते हो इंजरी प्रोन नहीं होता है इंजरीज को अपने अवॉइड कर सकता है तो आई थिंक पर्सनली दैट लेफ्ट विंग पे बारसा का सॉर्टेड हो जाएगा भाई सीन सॉर्ट हो जाएगा नेमार लेवनडॉफ्सकी एंड रफिनिया इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रंट थ्रीज इन द वर्ल्ड रफिनिया इज सॉर्ट ऑफ अ वीक लिंक कंपेयर टू नेमार एंड लेवनडॉफ्सकी बट भाई गजब की फ्रंट थ्री हो जाएगी बारसा की एंड आई थिंक इट विल हेल्प बारसा इन defending their La Liga title and also doing great in the Champions League. So, तो आप लोगों को क्या लगता है Barca fans? Let me know in the comment section down below. United fans, आपको क्या लगता है United की outgoings पे? What is your opinion? जो भी अभी तक हमारी outgoings हुई हैं. Madrid fans, आपको क्या लगता है David de Gea की signing पे? अगर वो होती है, are you happy about the signing? Or do you want some other keeper? Let me know in the comment section down below because I really want to know. And Harry Kane का क्या लगता है आपको भाई कि Mission 2024 fail हो गया तो क्या अचिंत्य रोमानो को हमेशा के लिए चुप हो जाना चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो भाई पांच सौ लाख का टारगेट लेके चलेंगे मेक श्योर यू सब्सक्राइब ट्वेंटी थ्री के रोड पे है हम कैच इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग